स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं स्कर्ट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम साइज जान लेते हैं। लंबाई 38 इंच है, हिप 40 है और कमर 36 है। ये कपड़ा है 3.25 मीटर कपड़ा है। 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने 3.25 मीटर रखा है। इसे डबल फोल्ड में कर लिए हैं। ये डबल लेयर है, ये डबल लेयर है। लंबाई में बिछाए हैं इसे। अब इसको हम तिरछा बिल्कुल करेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। ये बंद वाली साइड है और ये खुली, ये बंद है और ये खुली हुई साइड है। तो सबसे पहले हम इसका किनारा देखते हैं। ये कॉर्नर से इसको नापेंगे। तो हमारी हिप 40 है, तो 40 का 1/4 यानी हमें 10 इंच ऊपर से लेना है। सबसे पहले 10 इंच हम यहाँ से नापेंगे। ऐसे निशान लगा देते हैं 10 इंच पे। इंची टेप को कॉर्नर पे पकड़ना है। पहले सीधा निशान लगा लेते हैं। ऐसे उसके बाद इसकी गोलाई देंगे। ऐसे देखेंगे तो ये 8 इंच आएगा। तो 2 इंच हमें लूजिंग लेनी है। तो इसको 2 इंच हम हल्का सा नीचे करते हुए, यानी यहाँ से नापेंगे तो ये 10 है, तो हमें 12 इंच पे गोलाई काटनी है। तो प्लाजो ये जो है सलवार, ये खिंचने लगती है ऊपर से, तो 2 इंच की जब लूजिंग लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आ गए हम इसकी लंबाई पर। तो लंबाई लेते हैं 38 इंच हमें कंप्लीट चाहिए। तो हम यहाँ से 38 इंच यानी 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेंगे, सिलाई में जाएगा। 39 ले लेते हैं। ऊपर से इसको 39 पर ही निशान लगाते जाएंगे। इंची टेप को ऊपर ही रखेंगे। आसन 12 इंच ले लेते हैं। इस निशान से 12 इंच लेने के बाद 2 इंच ऐसे बढ़ा के निशान लगाएंगे और इस निशान को कॉर्नर पे लगा देंगे। बिल्कुल ये किनारा यहाँ नहीं लेना है। इंची टेप को सीधा नहीं रखना है, तिरछा रखना है ऐसे। इसके बाद ये गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये हो गई कटिंग, क्लिक हो गया है। अब इसे सबसे पहले कट कर लेते हैं। अभी जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इसको यहाँ लगाएंगे, कटिंग करेंगे। इसको ऐसे पलट देते हैं पहले, फिर आसानी से हो जाएगा। जितना ये कम है नीचे से इसको बिछा लेते हैं। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ऐसे ऐसे बिछाते हैं। तो ये जो सिलाई में गया है उसको हम ऊपर यहाँ 1/2 इंच ऐसे ऊपर चढ़ा करके निशान लगाएंगे, रखेंगे। इसके बाद
ऊपर की जो लेयर है उसको ऐसे बिछा लेते हैं। स्कर्ट प्लाजो में नीचे ये ज्वाइंट आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि गुलाई लेने में इतना ज्यादा चौड़ा कपड़ा नहीं होता है। हो गया, अब हम इसको जब सिलेंगे तो ये ज्वाइंट इसको अलग कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन ऊपर वाले में तो है, नीचे वाले में नहीं है, इसी में ज्वाइंट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई, अब बेल्ट वाला हिस्सा रह गया है। 6 इंच ले लेते हैं, चौड़ाई और लंबाई कमर के हिसाब से लेंगे। इसमें इलास्टिक पड़ेगा 2 इंच का, 2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, लास्टी डालेंगे ऊपर वाले हिस्सा। अब चलते हैं मशीन पे और सिलाई करते हैं। सबसे पहले नीचे का जो ज्वाइंट है जिसे हमने काटा है इधर ऐसे, इसको पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं, इसके बाद सिलना स्टार्ट करते हैं। कपड़े को देख लेंगे उल्टा सीधा, ये उल्टी साइड है और सीधी साइड है। आसन के पास की जो कटिंग हुई है इसको ज्वाइंट करेंगे। एक पार्ट ऐसे रखेंगे और दूसरा भी ऐसे, दोनों को ऐसे पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लेंगे। अब दूसरा साइड भी ऐसे ही सिल लेंगे। अब कमर वाला हिस्सा नाप लेंगे सिलने के बाद भी एक बार, अगर हमें कम लगेगा तो थोड़ी सी छटाई भी कर देंगे। देखिए थोड़ा सा कम लग रहा है, 18.5 आ रहा है और हमको 20 चाहिए। थोड़ी सी कटिंग ऊपर से कर देंगे, आराम से आ जाएगा। देखिए फ्रेंड 20 इंच आ गया। अब इस पे हम ऊपर से सिलेंगे, नेफा लगाएंगे इसका, बेल्ट वाला हिस्सा जो है। अब नीचे से इसकी सिलाई, ये जो घेरे की सिलाई है पैर वाली, नीचे से स्टार्टिंग करते हैं और आसन तक ले आते हैं इसको। जी ऐसे भी सिल सकते हैं, बीच से स्टार्टिंग करें इधर ले जाएं फिर उधर ले जाएं, लेकिन ये हिस्सा पकड़ के देख लेते हैं एक बराबर है तो कहीं से भी सिल सकते हैं, नीचे से भी सी। ये देखिए दोनों आसन वाला हिस्सा जो है ज्वाइंट है वो बराबर है, इसको यहीं से पकड़ के सिल लेते हैं पूरा।
स्कर्ट प्लाजो कंप्लीट हुआ। इसका फाइनल लुक बराबर बिछा करके मैं दिखा रही हूँ। इसका फाइनल लुक है, बस पीको का काम रह गया है, नीचे मैं पीको कर लूंगी बाद में। स्कर्ट प्लाजो से जुड़ा यदि कोई प्रश्न आपका हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।